हाँ ये ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं आपके साथ? क्यों अचानक से? आप कम से कम मुझे फोन करके एक बार बता तो देते। किया था, दो तीन बार किया था मैं। रात को मैंने भी कॉल की थी तुम्हें, लेकिन शायद तुमने फोन देखा ही नहीं। जी वो रात में मेरे सर में बहुत दर्द थी तो मैं जल्दी सो गई थी। सर में दर्द? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? घर पे तो सब ठीक है ना? मतलब किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अशर, आंटी? नहीं नहीं भाई, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब ठीक है। आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती। अरे चाय पीने नहीं आया? तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए आया हूं। अब जाओ, जाके तैयार होके आ जाओ। भाई क्यों आंटी से पूछे बगैर मैं नहीं जा सकती हूँ? भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। ये सब कुछ क्या है? इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इतना कुछ उठा के लेकर आ गए तुम। वो दरअसल आंटी सज्जल मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, तो अब जहरी बात है उसके घर आए हो तो खाली हाथ थोड़ी आ सकता हूँ। आप सुनाइए, कैसी? ठीक ठाक है? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वो अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। मैं चाह रहा था कि अगर मैं सज्जल को घर ले जाऊं और कुछ देर बाद शाम तक वापस ड्रॉप कर दूं तो कोई मसला तो नहीं? आंटी मैंने भाई से कहा है कि मैं एक दो दिन बाद चक्कर लगा लूंगी। नहीं नहीं चलिए जाओ, तुम्हारा भाई इतने मान से तुम्हें लेने के लिए आया, अब उसे खाली हाथ भेजोगे क्या? जाओ जाओ, कह तो रहे शाम को वापस छोड़ जाएगा, चलिए जाओ। देखा क्या कहा था मैंने? भाई भला आंटी क्यों मना करेंगी? अब 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से जाके तैयार होके मैं आती हूँ। अलीजे से कह देना चाय ले आए हम्माद के लिए। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं अभी चाय पी कर आया हूँ घर से।